नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं आज संविदा शिक्षक उज्जैल भेरी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एमपी जीके और विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। आप इन्हें देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें याद करिए, हम इन्हें अपनी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। नमस्कार दोस्तों, ये है साइंस के क्वेश्चन। एक तंतु लैंप फिलामेंट लैंप में क्या होता है? तंतु लैंप फिलामेंट, जैसे कि आपने बल्ब देखा हो, पीला कलर का था, 100 वाट के बल्ब आप देखे होंगे आपने, चलते हैं जो, उनमें फिलामेंट होता है। जिसमें फिलामेंट मतलब होता है कि टंगस्टन का एक तार लगा होता है, स्प्रिंग जैसा तार लगा होता है, उसे फिलामेंट कहा जाता है, फिलामेंट लैंप कहा जाता है। इसमें एक पूछा है तंतु लैंप फिलामेंट क्या होता है। तंतु फिलामेंट जो होता है, इसका आंसर है, देखिए, यह जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बल्ब में देखिए, हम बिजली का बल्ब होता है, इसे हम लगाते हैं तो बिजली आती है इसमें, वो बिजली को जो क्या करता है, प्रकाश, हमें उजाला मिलता है, वो जो थोड़ा गर्म भी हो जाता है, उसे ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। समझ गए आप लोग? अगला क्वेश्चन है, जब लाल लिटमस पेपर के एक टुकड़े को सामान्य लवण के विलयन में गिरा दिया जाता है तो इसका रंग में क्या परिवर्तन होता है? इसमें कोई परिवर्तन नहीं, लाल लिटमस पेपर को अगर आप सामान्य पानी में डालेंगे जिसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं, अगर इसमें एसिड या किसी चीज़ में डालेंगे तो कलर परिवर्तन अवश्य होता है, लेकिन पानी में अगर डालेंगे तो कोई कलर में परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वस्तु स्वतः दीप्त वस्तु नहीं है? देखिए, आपको अगर क्वेश्चन हिंदी में समझ आया तो इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट नॉट ए सेल्फ इल्यूमिनेशन ऑब्जेक्ट, मतलब खुद अपने आप से जलने वाली वस्तु नहीं है। देखिए, सूरज जो होता है खुद अपने आप, उसमें रासायनिक क्रिया होती है, अपने आप प्रकाश निकलता है, तो सूरज जो है सेल्फ एल्यूमिनेशन वाला है, स्वतः दीप्त वस्तु है। तारे हैं, तारे में भी क्रिया होती है, अपने आप जलते हैं, अपना प्रकाश स्वयं निकलते हैं। बल्ब में देखिए, बल्ब में बिजली आती है, वो जो जलता है, खुद जलता है और प्रकाश निकलता है। लेकिन चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा में ऐसा नहीं होता है। चंद्रमा में क्या होता है दोस्तों, ये जो है दिन में जो सूरज की जो किरणें होती हैं उन्हें अवशोषित कर लेता है, फिर शाम के टाइम जो होता है उन्हें परावर्तित करके हमारे पास पहुँचाता है। जो सूरज की किरणों को अवशोषित करता है फिर पहुँचाता है। सूरज का चंद्रमा जो होता है उसका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, जो सूरज के प्रकाश को हमारी परावर्तित करके पहुँचाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा आयोडीन विलयन के साथ नीला रंग देगा? आयोडीन का जो विलयन है उसमें जो है, इसका आंसर हम देखते हैं, उबले हुए चावल जो है आयोडीन के विलयन में नीला रंग देंगे। समझ गए आप? आपके सामने अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पोलर बियर के बारे में गलत है? पोलर बियर मतलब कि होता है ध्रुवों पे जो भालू पाए जाते हैं उनसे पोलर बियर कहा जाता है। पोलर बियर आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे, जो सफ़ेद कलर के भालू होते हैं, सफ़ेद बाल होते हैं, उन्हें पोलर बियर कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या ऑप्शन दिए हैं, चिकना शरीर, इनका शरीर चिकना नहीं होता, आपने देखा ही होगा, नुकीले घुमावदार पंजे होते हैं, होते हैं, सफ़ेद फर होते हैं, सफ़ेद बाल जो होते हैं फर उसे बोलते हैं, फर त्वचा के नीचे बसा परत होती है। हाँ, इनकी त्वचा होती है, बसे की परत होती है, ये आंसर सब सही है। इसमें जो गलत है, चिकना शरीर, इनका शरीर चिकना नहीं होता, आपने देखा होगा मछली की तरह चिकना शरीर नहीं है, इनके शरीर पर सफ़ेद बाल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक धारण क्षमता वाली होती है, मतलब सबसे ज़्यादा होल्डिंग कैपेसिटी किसकी, कौन सी मिट्टी होती है? इसका आंसर है वन की मिट्टी, मतलब जंगल की जो मिट्टी होती है होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसका आंसर रेगिस्तान की मिट्टी नहीं है। निम्नलिखित किस दर्पण को भी बड़े क्षेत्रों में फैली वस्तु के प्रतिबिंब को बनाने में किया जा सकता है? उत्तल दर्पण जो होता है, आपने देखा होगा एक लेंस आता है जिससे कि हम प्रकाश को केंद्रित कर लेते हैं, आपने जैसे हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो जो बड़ी दिखाई देती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसलिए उत्तल दर्पण जो होता है, इसका जो दिया है, दर्पण का प्रयोग जो होता है बड़े क्षेत्र की फैली वस्तु को प्रतिबिंब बनाने के लिए, मतलब प्रतिबिंब बन जाता है, इससे छोटा प्रतिबिंब बन जाता है, दर्पण उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं हम। निम्नलिखित रेशे में किसका प्रयोग टेरिकॉट बनाने में किया जाता है? टेरिकॉट बनाने के लिए देखिए दोस्तों, टेरिलिन एंड कॉटन का प्रयोग किया जाता है टेरिकॉट बनाने में, इसे हमें याद करना है। खोलदार अंडे देने वाले पशु इस रूप में अपने अपशिष्ट का उत्सर्जन करते हैं। खोलदार अंडे, जैसे कि आपने मुर्गी के अंडे देखे, खोल होता है इनमें, खोलदार अंडे कौन, इसका जो ये जो जानवर होते हैं इनका जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, यूरिक अम्ल निकलता है। वह राज्य चक्रवात से सुभेद नहीं,
मतलब कि जिसमें चक्रवात नहीं आता। देखिए चक्रवात तो केवल समुद्र किनारे वाले राज्यों में ही आता है, वो जो पश्चिम बंगाल समुद्र के किनारे, आंध्र प्रदेश समुद्र के किनारे, उड़ीसा भी समुद्र के किनारे, बचा के राजस्थान, राजस्थान समुद्र से बहुत दूर है तो यहाँ पर चक्रवात आ ही नहीं सकता। इसका आंसर, सही आंसर है राजस्थान, यहाँ चक्रवात नहीं आते, सुभेद नहीं है, यहाँ पर चक्रवात सुभेद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक स्क्रैपर के साथ अपशिष्ट जल उपचार में हटाए गए स्थिर ठोस को खालिस्तान कहा जाता है। देखिए इंग्लिश में थोड़ा पढ़ें, द सेटल सॉलिड आर नॉट रिमूव्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट विथ स्क्रैप इट कॉल्ड। इसका नाम है अपंग, स्लग, स्लग मतलब जो कीचड़ टाइप होता है उसमें स्लज कहते हैं, स्लज। इसमें जो हम स्क्रैपर के साथ अपशिष्ट जलाचार में हटाए गए ठोस को कहा जाता है, मतलब जो पानी अगर साफ करते जो निकलता है कचरा उसे स्लज बोलते हैं। टैडपोल में अधूरे विकास का कारण खालिस्तान अपराध उत्पादन है। टैडपोल क्या होता है आप सभी जानते होंगे, मेंढक, मेंढक का जो अंडे अंडे होते हैं उन्हें टैडपोल कहते हैं। इसके जो काय की अपर्याप्तता होती है, इसमें थायरॉक्सिन की अपर्याप्तता के कारण इसमें विकास पूरा नहीं हो सकता है। याद हो गया सब दोस्तों, टैडपोल के अधूरे विकास के कारण थायरॉक्सिन की अपर्याप्त उत्पादन है। कोशिका बहाभाग जो कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों की गतिशीलता नियंत्रित करता है, वही कोशिका झिल्ली। कोशिका के बाहर जो आउटर सरफेस पे है कोशिका झिल्ली होती है, इसके अंदर बाहर पदार्थ आने जाने को नियंत्रित करती है। फलीदार पौधे के मूल ग्रंथि उपस्थित नाइट्रोजन युक्तिकरण जीवाणु राइजोबियम होता है। फलीदार पौधे से मूंगफली है, उसके और भी मटर है, इनके जो जड़ों में होता है राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो कि वायुमंडल उपस्थित नाइट्रोजन को फिक्स कर लेता है, यौगिकरण करता है। ठीक है, राइजोबियम याद रखें, फलीदार पौधे का क्वेश्चन आए जिसके जड़ों में क्या पाया जाता है तो राइजोबियम। ठीक है, एक विद्युत केतली तक किसे नहीं, मतलब विद्युत हैंडल ऑफ इलेक्ट्रिक केटल, मतलब जिससे हम विद्युत इलेक्ट्रिक वाली जो चाय बनाने की मशीन आती है उसका हैंडल जो होता है काय का बन होता है, तो विद्युत का है तो साफ बात है विद्युत पदार्थ होना जरूरी है, तो एन इंसुलेटर विद्युत होता है, किसका सही आंसर है। तापमान की इकाई निम्नलिखित क्या है, देखिए मीटर जो है आपको पता है इसमें कुछ सामान की लंबाई नापी जाती है, सेकंड से समय नापा जाता है, एम्पीयर से करंट नापा जाता है, तो डिग्री सेल्सियस में हमें तापमान नापा जाता है। मृद वनस्पतियों के कोयले के में रूपांतरण की धीमी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। कार्बनीकरण जैसे कि कोई वनस्पति जैसे जंगल में कोई पेड़ सड़ जाता है, लकड़ियाँ टूट की पड़ी हैं तो कई सालों तक खराब होती रहती है, उसके बाद उसमें रूपांतरण होने लगता है धीमे धीमे, कई सालों हजारों साल में ही जो होता है कोयला बन जाते हैं, उसे हम कार्बनाइजेशन एक कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है, पचमढ़ी व्यावसायिक रिजर्व का एक स्थानीय पशु क्या है, देखिए आप अगर ये पचमढ़ी जो है एमपी के होशंगाबाद ज़िले में पचमढ़ी हिल स्टेशन है, यहाँ पे आप गए होंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक म्यूज़ियम है जहाँ की बारह सिंगा का सेल लगा हुआ है, और यहाँ पे जो है बारह सिंगा पहले बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते थे, यहाँ का स्थानीय पशु जो है बाइसन बारह सिंगा है। विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल हम ज्ञात करने के लिए करते हैं, तो वो है आवेश। विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप ये जो होता है जैसे हम दूर से हैं किसी वस्तु को बता सकते हैं इस वस्तु कितना आवेश है। ठीक है दोस्तों, इवनिंग स्टार मतलब वो सांझ का तारा, शाम को जो तारा सबसे पहले दिखाई देता है उसे शुक्र तारा कहते हैं। एक वस्तु 25 हर्ट्ज का कंपन करे तो इसकी अवधि क्या है, इसकी अवधि मतलब टाइम पीरियड पूछा गया क्या है, तो टाइम पीरियड जो होता है 1/f होता है, तो 1/25 जब करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 0.04, इसकी फ्रिक्वेंसी इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 0.04। घंटी अधातुक बनी होती है, वे प्रकृति में खालिस्तान होती है। वेल्स आर मेड फॉर मेटल बिकॉज दे आर इन सोनरस मतलब ध्वनिक, मतलब ध्वनि उत्पन्न करने वाली होती है, सीधी सी बात है, हम से जेल को भी लगा सकते हैं इसमें ध्वनिक। एक ट्रक 80 मिनट में 48 किलोमीटर की यात्रा करता है चाल के सफर हम लोग सभी जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी क्या है इसमें, दूरी कितनी 48 किलोमीटर बटे मिनट कर दिए अपन ने 80, तो 48 बटे जब 80 करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उस सही क्रम को चुने जिसमें कि भेड़ की फ्लीस से ऊन प्राप्त किया जाता है, मतलब भेड़ की जो फ्लीस मतलब होता है भेड़ों का झुंड, फ्लीस ऑफ शीप, भेड़ों के झुंड से हमें बहुत सारा ऊन मिलता है, ऊन कैसे निकालते हैं उसकी पूरी प्रोसेस हमें बताएं। सबसे पहले क्या होता है, देखिए दोस्तों इसका आंसर है ऊन कतरन, ऊन सबसे पहले ऊन काटेंगे, शीरिंग होगा, फिर स्कोरिंग निघर्षण होता है, उसके बाद छटाई होती है, ऊन काट लेंगे फिर उसको हम
संघर्षण इकट्ठा कर देंगे, निर्घर्षण कर लेंगे, सब इकट्ठा घिस लेंगे इसको खूब, ठीक है। फिर छटाई करेंगे, सॉर्टिंग, फिर उसके बाद के पिकिंग आउट ऑफ बर्स, बार का चयन, फिर लास्ट में होगा डाइंग। इस प्रोसेस को आप याद करिए, कई क्वेश्चन में आती है। सबसे पहले शेयरिंग, स्कोरिंग, शॉर्टिंग, पिकिंग आउट ऑफ बर्स एंड लास्ट में डाइंग। अगला क्वेश्चन है, हमारी मांसपेशी कोशिकाओं में अवयवी श्वसन इसका उत्पाद करता है। हमारी मांसपेशी कोशिकाओं में अवयवी श्वसन, जैसे भी जब भी हम थक जाते हैं, कुछ भी बहुत ज़्यादा काम वाम कर लेते हैं, तो हमारे जो है लैक्टिक अम्ल प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। मांसपेशियों में जो लैक्टिक अम्ल, जिसका हमें पेट दर्द होता है, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों अब हम आते हैं एमपी जीके के क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस साल में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, मतलब भोपाल में गैस का जो दुर्घटना हुई थी उसका कौन से साल हुई थी, 1984 में। इसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, इसके कारण हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी। ये दिसंबर 2 या 3 दिसंबर की रात की बात है, 1984 में, ठीक है। इनमें से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई, देखिए दोस्तों याद करने में, ये सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, निर्मला भी लिखा है, गोदान भी लिखा, क्या नहीं लिखा, उसने कहा था ये मुंशी प्रेमचंद की रचना नहीं है। कौन सा राज्य है जो अधिकतम सोयाबीन पैदा करता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पन्न होता है, पूरे देश में जो है मध्य प्रदेश ही जहाँ पर सोयाबीन उत्पन्न होता है सबसे ज़्यादा। मध्य प्रदेश में वर्तमान लोकायुक्त कौन है, ये क्वेश्चन हमें याद करना है, न्यायमूर्ति नरेश कुमार गुप्ता। 23 मार्च को निम्नलिखित किसकी स्वतंत्रता सेनानी का शहीद दिवस है, 23 मार्च को हम याद रखना चाहिए दोस्तों, भगत सिंह का शहीद दिवस है। भगत सिंह हमारे बहुत अच्छे फ्रीडम फाइटर थे। मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध कलाकार अमजद अली खान निम्नलिखित किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, अमजद अली खान ये हैं सरोद वादक थे। कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन सिटी, मतलब सिलिकॉन सिटी के रूप में जाना जाता है, बेंगलुरु को है सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है सिलिकॉन सिटी में बहुत ज़्यादा उद्योग हैं, यहाँ पे मतलब सॉफ्टवेयर से संबंधित उद्योग हैं, इसलिए हमें बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी कहते हैं। मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष कौन सा है, बरगद। मध्य प्रदेश के राजकीय, अपनी मध्य प्रदेश के किसी भी एमपी गवर्नमेंट की साइट खोलेंगे तो एक साइन आपको दिखेगा, वैसे बरगद का पेड़ बना हुआ है और उसकी जड़ें लटकती रहती हैं, राजकीय वृक्ष बरगद है यहाँ का, एमपी का। किस प्रसारण कंपनी अगले 5 वर्ष तक भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा खेले जाने वाले मैचों के मीडिया अधिकार प्राप्त किए हैं, ये जो स्टार चैनल ने सारे अधिकार प्राप्त करे हैं क्रिकेट के प्रसारित करने के, एमपी वो भारत के। निम्नलिखित किस रेलवे स्टेशन का भाग को यूनेस्को द्वारा विरासत स्थल घोषित किया गया, ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, कहाँ पर आप सब जानते होंगे दोस्तों, ये है बॉम्बे में। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य सीट कहाँ पर है, मुख्य सीट जो है उच्च न्यायालय की जबलपुर में है, इसकी दो सीटें हम जानते होंगे, ग्वालियर और कहाँ है दोस्तों, इंदौर में, समझ गए आप। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध प्लेबैक गायक किशोर कुमार का जन्मस्थान, किशोर कुमार का जन्मस्थान जो खंडवा में हुआ है, इनकी जो है एक यहाँ पे स्मृति वो बना है खंडवा में, इनका किशोर कुमार का जन्मस्थान। किस सम्राट द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया था, सांची के स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये जो अशोक ने बनवाए थे। मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस मध्य प्रदेश में किस शहर में स्थित है, ये देवास में। सिक्योरिटी नोट प्रिंटिंग प्रेस जो है देवास में है, और एसपीएम सिक्योरिटी पेपर मिल जहाँ पे पेपर बनता है वो होशंगाबाद में है, और देवास में इसकी छपाई होती है, ठीक है। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को धन उधार देता है किस नाम से जाना जाता है, रेपो रेट पे जो है रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को, जो भी अदर बैंक है सबको धन उधार देता है, तो रेपो रेट पर देता है। उस भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम क्या है जो महिला ओडीआई वन डे क्रिकेट में दुनिया में सबसे ज़्यादा कैप्ट खिलाड़ी बनी, तो वो है मिताली राज का नाम प्रसिद्ध है, जैसे याद करिए आप, वो मोस्ट कैप्ड प्लेयर मतलब कैप्ड प्लेयर बनी है मिताली राज। मध्य प्रदेश में मुर्गी चिकन उस प्रकार से नाम आते हैं, हाल ही भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया, कड़कनाथ मुर्गा जो है दोस्तों झाबुआली राजपुर तरफ पाया जाता है, बहुत अच्छा होता है, आप इसे खा के देखेंगे कभी मिले तो। भारतीय नौसेना की वर्तमान प्रमुख कौन है, नौसेना के वर्तमान प्रमुख सुनील लांबा। फरवरी 2018 में विधानसभा चुनाव के बाद 10वें मुख्यमंत्री त्रिपुरा के 10वें मुख्यमंत्री किसने शपथ ली है, विप्लव कुमार देव।
केंद्रीय मंत्रिमंडल कार्य मंत्री मंत्रालय में प्रभारी मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है दोस्तों, 2018 में पद्मश्री पुरस्कार विजेता मध्य प्रदेश से नहीं, कौन जो है मध्य प्रदेश से नहीं है? शमशाद बेगम जो है मध्य प्रदेश से नहीं है, बाकी ये जो बाकी सारे मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। मध्य प्रदेश में बाघ प्रिंट कहाँ से संबंधित है? कपड़ा मुद्रण, बाघ प्रिंट जो है जहाँ पर कपड़े की छपाई होती है। पुष्प की अभिलाषा रचना मध्य प्रदेश किस कवि की है? ये सभी आप सभी जानते हो, आप सभी पढ़ा होगा पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं सुरवाला के गहनों में गुथा जाऊँ, चाह नहीं, ये सब जो है ये है माखन चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई कविता है। जेमिनिया राय एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है दोस्तों, आज के हमारे क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं। आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह से आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो डालेंगे, आपको आपकी पढ़ाई में बहुत मदद करेंगे। आप इसे देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।